दोस्तों एनिमल मूवी की इतनी जोरदार कलेक्शन देखने के बाद जो विद्या बालन का काफी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर विद्या बालन बोलती हुई देखने को मिली है कि रणबीर कपूर काफी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने जो कि यहाँ पर आज तक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है। अब यहाँ पर जो कि एनिमल देख के उन्होंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि वो जो कि आने वाले टाइम के अंदर बॉलीवुड के बादशाह बनने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एनिमल जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर मंडे जो कि एक वर्किंग डे होता है उसी के ऊपर जो है वो भाई साहब 40 करोड़ रुपए की कलेक्शन करती भी देखने को मिल चुकी है हिंदी के अंदर। तो कलेक्शन वाइज एनिमल डे बाय डे काफी ज्यादा तेजी ऊंचाइयों से पर जाती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो भाई साहब यहां पर जो है वो 29 करोड़ के टोटल करती हुई देखने को मिल रही है कलेक्शन। वहीं यहां पर मंडे वाले दिन जो कि 4 करोड़ रुपए की कलेक्शन करती हुई दिखाई देती। अगर दोस्तों आर लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बात करें तो भाई साहब टोटल जो है 246 करोड़ रुपए की कलेक्शन करती हुई देखने को मिल चुकी है एनिमल मूवी। अब रणबीर कपूर एक ऐसा घोड़ा बन चुका है जो कि यहां पर रेस को जीत कर ही रहेगा। उसी के साथ यहां पर जो कि पठान गदर 2 जवान के बाद अब जो कि यहां पर एनिमल जो कि दिखाई दे रही है, जो यहां पर जो है वो भाई साहब हमको 500 करोड़ के प्राइस पॉइंट को इंडियन नेट कलेक्शन के अंदर क्रॉस करती हुई देखने को मिलेगी। वहीं अगर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो यहां पर एनिमल मूवी ने टोटल जो है वो भाई साहब 425 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 4 सेंचुरीज मारती हुई देखने को मिल रही है एनिमल मूवी। अब यहां पर कहीं ना कहीं मंडे वाले दिन काफी अच्छी हाइप देखने को मिली। अब आज के दिन की जो है वो काफी अच्छी हाइप देखने को मिल सकती है एनिमल की। एनिमल यहां पर जो कि आज के दिन के ऊपर हो सकता है कहीं ना कहीं 40 करोड़ से भी प्लस की कलेक्शन करती हुई दिखाई दे। अब देखते हैं क्या सीन होते हैं। यहाँ पर एवरेज अगर देखा जाए तो 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच में जो है वो यहाँ पर हमको कल की कलेक्शन देखने को मिलने वाली है। तो अब देखते हैं क्या क्या सिनेरियो जो के बनते हुए देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है भाई साहब। ये जो मूवी है बाप बेटे के प्यार को सही से दर्शाती है और कहीं ना कहीं जो कि हमको ऐसे ऐसे सीरीज सीन्स देखने को मिले हैं इस मूवी के अंदर जो कि यहाँ पर पूरी वायलेंस को हिलाकर रख लेते हैं। या फ्रेंड्स जो हमको गन देखने को मिली है इस मूवी के अंदर, उसी के साथ यहाँ पर जो लास्ट के अंदर बॉबी देओल के मर्डर वाला सीन था वो भाई साहब आउटस्टैंडिंग, मतलब के बिल्कुल खतरनाक सीन करती हुई देखने को मिल रही है एनिमल मूवी। जो हाइप है एनिमल की वो कहीं ज्यादा ऊपर बड़ी तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या सीनरी होते हैं एनिमल मूवी के, एनिमल और कितना अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलती है, ये सब देखना बाकी है। वैसे छोटी सी वीडियो थी एनिमल मूवी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पर एनिमल डंकी सलाड या फिर आने वाली किसी भी मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।